हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी फाइल को या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी इमेज को हम कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, तो हम कैसे किसी इमेज को या डॉक्यूमेंट को हम कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस समय हम लोग ilovepdf.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वेबसाइट पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, स्प्लिट पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ, पीडीएफ की साइज शो करना है तो कंप्रेस पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कन्वर्ट पीडीएफ के अंतर्गत जाएंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जेपीजी टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, इसे ऑप्शन देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जैसे पीडीएफ टू जेपीजी में पीडीएफ को भी आप दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जेपीजी, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे और पीडीएफ टूल पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लोज पीडीएफ सिक्योरिटी में जाएंगे तो अनलॉक पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोटेक्ट पीडीएफ का, साइन पीडीएफ, मतलब कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमको यहाँ पे ये देखना है जैसे किसी फाइल को या इमेज को हम लोग को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम जेपीजी मतलब किसी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ सेलेक्ट जेपीजी इमेज, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ भी आपका इमेज रखा होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन पूछ रहा है, आपको पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, यहाँ पे आपको साइज पूछ रहा है, यहाँ पे आप जो स्मॉल में करना है, बिग में करना है, ठीक है, नो मार्जिन में, ये सारे ऑप्शन मिल रहा है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम पोर्ट्रेट में कर लिए, उसके बाद स्मॉल पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पीडीएफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे डाउनलोड पे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है, और इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट और इमेज को हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी वर्ड फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ वर्ड टू पीडीएफ पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट होगा। जैसे यहाँ पे कोई बायोडाटा है इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ से और फाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पीडीएफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, और 2-4 सेकंड लेता है, कन्वर्ट भी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते कन्वर्ट हो गया, आ भी गया। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके टास्क बार में डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से भी कोई फाइल कोई इमेज को हम आसानी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।